नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां बिहार सरकार ने शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग सुन ली है और उन्हें बड़ी राहत देते हुए सातवें नियोजन की बहाली की प्रक्रिया की शुरुआत का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि इस वर्ष 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति बिहार सरकार के द्वारा की जाएगी, जिसकी जानकारी बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा दी गई है। बताते चले कि सातवें चरण के शिक्षक नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इस चरण के तहत इस वर्ष विभाग 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करेगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने शिक्षक नियोजन नियमावली पर अपनी सहमति दे दी है। अब नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। गुरुवार को मंत्री ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार 10 लाख नौकरी देने का अपना वादा पूरा करेगी। पिछले दिनों सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग ने इस पर अपनी सहमति दे दी थी। दरअसल नई नियमावली के माध्यम से सरकार शिक्षक नियुक्ति की मौजूदा प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रही है। प्रस्तावित नियमावली में शिक्षक नियोजन का अधिकार पंचायतों एवं नगर निकायों से वापस लेकर एक एकीकृत आयोग को सौंपा जा रहा है। मौजूदा पुराने शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत 9,222 नियोजन इकाइयां थी, जबकि प्रस्तावित नियमावली में नियोजन इकाइयों की संख्या जिलों की संख्या के बराबर अर्थात 38 रह जाएगी। पुरानी नियुक्ति नियमावली में मेधा अंक की गणना नियोजन इकाई द्वारा मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातोत्तर एवं प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के प्रतिशत एवं पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों के वेटेज के आधार पर ही होती थी। नई नियमावली में भी लगभग वही व्यवस्था बनी रहेगी। मेधा अंक के आधार पर आयोग द्वारा प्रशासी विभाग के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा। बताते चले कि इस समय 4 नियमावलियों जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियमावली, बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियमावली, बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली तथा बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली से नियुक्ति की जाती है। नई नियमावली में प्रारंभिक शिक्षकों से लेकर उच्च माध्यमिक तक के शिक्षकों, पुस्तकालय अधीक्षकों, प्रयोगशाला सहायकों, अनुदेशकों की नियुक्ति के लिए एक ही नियमावली होगी। गौरतलब है कि पहले की नियमावली में विशेष शिक्षक तथा प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति का प्रावधान नहीं था। नई नियमावली में इसका प्रावधान प्रस्तावित है। पुराने शिक्षक नियुक्ति नियमावली में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के स्तर पर गठित अलग अलग नियुक्ति प्राधिकार एवं अनुशासनिक प्राधिकार का गठन किया गया है। नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली में जिला स्तर पर एक ही स्थानीय निकाय नियुक्ति प्राधिकार एवं अनुशासनिक प्राधिकार का गठन होगा। तो जैसा कि आपने सुना इस खबर में, बिहार में सातवें चरण की बहाली की प्रक्रिया की शुरुआत जल्द होने जा रही है, जहां 3 लाख शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा। बिहार सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला है और शिक्षक अभ्यर्थियों की इतने दिन की मेहनत, इतने दिन के प्रदर्शन और मांग पर अपने जोर रखने के बाद बिहार सरकार ने बड़ी खुशखबरी, बड़ी राहत दी है शिक्षक अभ्यर्थियों को, जहां इसकी जानकारी खुद बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने ट्वीट कर दी है। और कैबिनेट बैठक के बाद एक बड़ा फैसला भी हो सकता है, जहां ये सरकार जिसने 10 लाख नौकरियों का वायदा किया था, अब उस वायदे पे ये सरकार चलते हुए नजर आ रही है उस रास्ते पर, जैसा कि मंत्री का कहना है। और अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार कब इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है। कुछ भी अपडेट इस खबर से निकलकर सामने आएगी वो जरूर हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।